जब भी ऐसा कोनो कार्यक्रम होला तो हमनी के सब के हो एक साथ मिले के मौका हमनी के मिलेला तब बहुत बहुत हमनी के धन्यवाद दे दानी जा एक कर जे ऑर्गेनाइजर बने उनका के और शुभकामना देता नहीं जा कि ऐसे ही और आगे बढ़े। तो हर साल आप कहीं भी रहते हैं जो है तो इसमें अपना भागीदारी जताते हैं? हाँ, कोशिश कर जाला कि मन के कहीं भी रह जा और अगर पहुँच सकी तो पहुँचल जाला काहे कि ये अच्छा काम बा और इसमें हमनी के सहयोग रही के चाहिए। और सबसे अच्छी बात हमरा भोजपुरी इंडस्ट्री के ये है कि हमने की जितना एक्टर बानी जा जितना एक्ट्रेस लोग बा जितना टेक्नीशियन बा सब लोग मिलजुल के अपन घर परिवार जैसा काम करेला तो जब भी ऐसा कोनो मौका मिलेला कि सब लोग एकत्रित हो सके तो हमने के जुट जाएला उनमें कोनो हमने के दिक्कत नहीं है। जी, काशी अमरनाथ फिल्म रिलीज भइल बाटे तीसर का हफ्ता चलत जी, काशी अमरनाथ दूसरा वीक में बा, तीसरा अभी 3 तारीख से हुई। तब बहुत धन्यवाद दे चाहता नहीं सब ऑडियंस लोग के, एगो नया प्रयास रहे हमने के कि एगो ऐसा मुद्दा पे फिल्म बनावल जाओ जोन की पहले कोशिश ना भइल रहे, हम खुदे डरात रहनी पहले ऐसा मुद्दा पे काम करे में, पर पहली बार एगो ऐसा मुद्दा जोन गुटका और नशाखोरी के खिलाफ और हमने के लागल कि पता ना पब्लिक एक्सेप्ट करी कि ना, लेकिन लोग के पसंद आई, लोग एक्सेप्ट कैलस, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने के खुशी ये बात के बाद कि एक नया शुरुआत होता जी, अवार्ड जब मिलता है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तीनों सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खेसारी जी बताएंगे। जी सर, एक अवार्ड जब मिलता है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और अच्छा काम करते हैं। हमको मिला ही नहीं है तो हम कैसे बताएं? हमको मिलेगा तो बताएंगे। अब जब हमको नहीं मिला है तो हम कैसे समझ में आ कि जिम्मेदारी क्या होती है? बिया भैले नहीं के मेहरारू के जिम्मेदारी पूछता रहा। बिया होके दो तो हम जिम्मेदारी सब बताएंगे, क्योंकि देखिए अनुभव होता है, जब आदमी का शादी होता है तो अनुभव होता है कि शादी के बाद इंसान की जिम्मेदारी क्या होती है। हम कंवारे हैं, कंवारे हैं तो हमें क्या समझ में आएगा कि बीवी का मतलब क्या होता है? तो वो सारी चीज़ें, हमें कोई वार्ड मिला नहीं है, मिलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको अनुभव। मिलेगा तो सोचूंगा जो अनुभव होता क्या है, अभी तो सोच ही नहीं रहा हूँ। हम काम किए, सबसे बड़े अवार्ड हमारे लिए काम की है। हाँ, और आप और चाहते हैं तो इनको पहले दीजिए अवार्ड दीजिए, उसके बाद पूछिए, है ना। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी ऑडियंस हमें अवार्ड देती है, बाकी अवार्ड तो हमारी हमारी खुशी के लिए होता है। हमें जैसे हमारे माँ बाप हमारे खुशी के लिए अगर कोई कपड़ा खरीद देते हैं तो उस तरह अवार्ड कराने वाले हमारे गार्जियन होते हैं, और हमारी खुशी के लिए हमें अगर हम पढ़ के अगर अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं तो हमें मास्टर एक डिग्री देता है। तो एक डिग्री हो गई हमारे लिए कि हमने अच्छा मेहनत किया तो हमारे लिए एक डिग्री मिल गई, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सबको कि ये डिग्री हर आदमी को मिलता है। और उसमें ज़िम्मेदारी और बढ़ती है कि आगे भी मुझे पढ़ना है, उसी तरह हर आदमी उस डिग्री को पाने के बाद एक स्टेप आगे पढ़ने की कोशिश करता है और उससे भी बेहतर करने की कोशिश करता है। जी, सबरंग समारोह आज 14 साल है जिसमें कुलदीप श्रीवास्तव जी, मजदूर राज जी मिलकर पूरा और भी सारे टीम मिलकर काम कर रहे हैं और एक छत के नीचे सारी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक साथ एकत्रित करने का एक मुहिम चला रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। ये सबरंग जो अवार्ड फंक्शन है सिर्फ ही मधुवेंद्र और हमारे कुलदीप जी की नहीं है, ये पूरी भोजपुरी समाज की है। और भोजपुरी समाज के लिए अगर इन दोनों ने अगर ये वीड़ा उठाया है तो इनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा पूरी भोजपुरी समाज को करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। हमारे बड़े भाई हमारे गार्जियन स्वरूप दिनेश भैया, अमरपाली दुबे जी, माने हमारे बड़े भैया महादेव प्रभु जो हमारे रवि किशन जी हैं जो कि हम लोग के गार्जियन हैं और पूरी इंडस्ट्री के गार्जियन हैं वो, और हमारे पिता तुल हैं वो, ऐसे पिता है नहीं बड़े भाई मानता हूँ, लेकिन बड़ा भाई पिता तुल ही होता है, उनको गुस्सा ना आ जाए कहेंगे कि देखो मुझे पिता बना दिया। इसलिए कहीं ना कहीं ये पूरी भोजपुरी की एक मान सम्मान की बात है, और मधुवेंद्र जी और कुलदीप जी ने अगर ये बीड़ा को उठाया है तो पूरी भोजपुरी समाज के लिए सम्मान की बात है। और ईश्वर करे कि इनके ऐसे ही लंबी उम्र हो और ऐसा ही अवार्ड फंक्शन कराएं और हम सारे भाइयों को एक दिन इकट्ठा करके और एक साथ पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, और कम से कम हम अपने घर की अपनी बातों की दुख सुख में शामिल करें और एक दूसरे से दुख बांटें और रखें। जी भैया, बात करिए बिहार में आपको दो फिल्म रिलीज हुई, बताते। अब हम कहाँ करी जब दोनों जन एक साथ लड़ गए लोग, ऐमें हमार का दोस्त बा भाई, मैं बोला था कि आप लोग एक साथ मत, ऐसे ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, दोनों फिल्में अच्छी चल रही हैं तो वो कृपा है। और ऑडियंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो ऑडियंस को एक ही खेसारी और दो जगह दिख रहा है और दोनों जगह अच्छी मात्रा में लोग जाकर और उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी नहीं है कि दो एक स्टार की दो फिल्में एक साथ लगे और दोनों एक ही शहर में लगे,
तो अब एक आदमी के दो जगह बारात जाए तो तन कन्फ्यूजन तो ये जाए कि भाई कहुना बारात में ढेर व्यवस्था बहुत में चल जाओ। तो वह स्थिति है कि एक अगर दुल्हा का दो बारात अगर एक ही शहर में आएगा तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी पब्लिक को, जो हम किस बारात में जाकर अपना भूख को मिटाएं, किस में अच्छी खाना है, तो जिसमें अच्छी खाना है उसमें लोग जा रहे हैं और उसका लुत्फ़ तो उठा रहे हैं। जी मैं दूसरे साल आज अभी आई हूँ, इसमें एसोसिएट हुई हूँ और मैं इसके ऑर्गेनाइजर्स को, कुलदीप जी को, मधुवेंद्र जी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। और ये बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। जब कोई अवार्ड मिलता है किसी टेक्नीशियन को या किसी आर्टिस्ट को तो उसे आगे बढ़ने का, आगे काम करने का बहुत, आगे काम करने की ताकत बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सो ये बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और हम लोग सब बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आके एक दूसरे से मिलके, और हर बार हर साल हम लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे इस अवार्ड को। काशी अमरनाथ फिल्म रिलीज, इसमें रवि जी हैं, दिनेश जी हैं, सपना गिल जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अभी अभी बिहार जाकर आई हूँ, फिल्म ऑडियंस से मिल के आई हूँ जिन्होंने फिल्म देखी, और लकीली लोगों को इतनी पसंद आई फिल्म। हम लोग ने एक आउट ऑफ द ब्लू एक टॉपिक पे फिल्म बनाई थी जो जो रिस्क ज़्यादातर लोग नहीं उठाते, वैसा रिस्क संतोष मिश्रा जी ने उठाया था इस फिल्म में, और फिर भी लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया फिल्म को, इतना प्यार दिया। तो अब हम लोग को हिम्मत मिलती है कि हम अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को बना सकते हैं भोजपुरी में, और मैं बहुत खुश हूँ कि फिल्म इतनी सक्सेसफुल है। जी दिनेश जी, बात कर जाए 2 नवंबर एक खास दिन बाटे मॉरिशस खातिर, कि पहला जहाज उत्तर भारत को, यूपी बिहार के जो लोग वहाँ पे पहली बार कदम रखे थे 2 नवंबर दिन था, तो कल 2 नवंबर प्रवासी घाट पे प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, कहाँ के चाहिए? कल 2 नवंबर को प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है मॉरिशस में। मैं इस बात के लिए हमारे जो मॉरिशस के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ वहाँ पे तो मैंने यही देखा है कि तीसरी पीढ़ी है उनकी, और तीसरी पीढ़ी में भी उन्होंने भोजपुरी के कल्चर को, भोजपुरी भाषा को जीवित रखा है उन्होंने, और वो लोग आज भी अपने घर में भोजपुरी भाषा में बात करते हैं, हमारे कल्चर को उन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया वहाँ पे। तो इस बात की बहुत बहुत खुशी है हमें, और हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं उनको कि, और ये तो दुनिया जानती है कि यूपी बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ एक नई दुनिया बसा देते हैं, और वो दुनिया बहुत ही सुंदर होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही आप लोगों से ही प्रेरणा लेके सभी लोग जितने भोजपुरी भाषी हैं दुनिया में जहाँ भी रहेंगे एक अच्छी और एक बढ़िया दुनिया बसाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और मेरे तरफ से भी सेम ही है कि दिल से थैंक यू कि आज भी हमारे बिहार की और यूपी की मिट्टी जो है आज भी मॉरिशस में गुज रही है, तो मैं उस मिट्टी को सलाम करता हूँ जो हमारे बिहार यूपी की है, जो आज भी वहाँ एक सुगंध की तरह फैली हुई है पूरे मॉरिशस में। एक इंडिया से बाहर जाने के बावजूद भी हमारी जो मिट्टी की सुगंध है आज वहाँ भी खिलखिला रही है और एक फूल की तरह खिली हुई है। तो उन सारे वहाँ के रहने वाले लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आज भी हम, जो भैया ने बोला कि हम जहाँ जाते हैं एक दुनिया बसा देते हैं, तो उन्होंने दुनिया बसाई, और उस दुनिया में सिर्फ मॉरिशस को ही नहीं बसाया, एक भोजपुरी को फूल की तरह खिला दिया मॉरिशस में। तो उसके लिए दिल से थैंक यू उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने एक दुनिया बसाई मॉरिशस में जाके। जी अमरपाली जी, आपका क्या चाहें? मैं बहुत, मुझे प्राउड फील होता है। कई लोग होते हैं जो इंडिया में ही रह के अपने होम टाउन को छोड़ के शहर में जब चले जाते हैं एक ही स्टेट में, तो वो लोग डिनाई करने लगते हैं अपनी मातृभाषा को, कहाँ से आए हैं, उनकी जड़ें कहाँ पे हैं, इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एक ही देश में, एक ही शहर में रह के, बस गांव से शहर के अंतर पे। और ये लोग इंडिया से मॉरिशस जाने के बाद भी 3 पीढ़ी तक कल्चर को उन लोगों ने संभाल के रखा है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन लोगों को कि आप लोगों ने अपने कल्चर को इतना रिस्पेक्ट किया। वी फील वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच।